हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोर, आप देख रहे हैं गैजेट की हिंदी। और अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M20 है तो आपको उसके बॉक्स में एक इस तरह का ट्रांसपेरेंट सा टीपीयू केस देखने को मिलता है। और इस तरह के जो टीपीयू केस है, मैं मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये पीले से पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये केस भी थोड़ा सा पीला सा पड़ चुका है। और अगर आप कोई अच्छा केस ढूंढ रहे हैं इस टाइम पर सैमसंग गैलेक्सी M20 के लिए, तो आपको पता होगा कि कुछ जो ब्रांडेड केसेस होते हैं जैसे स्पीगन के या फिर केपवर के, तो वो अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर। और नॉर्मली आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं, लेकिन मैंने भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे 4-5 केसेस, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ के कटआउट्स अच्छे नहीं थे, कुछ की जो फिटिंग थी वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी। और मैंने ऑफलाइन में भी ट्राई किए, लेकिन ऑफलाइन में भी अभी सैमसंग गैलेक्सी M20 के इतने सारे केसेस अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक केस ऑर्डर किया है और ये आपको अगर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा तो 100 रुपये के करीब का मिलेगा, और मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 125 रुपये के करीब का। और अगर आपको ये केस खरीदना होगा तो मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, क्योंकि मैंने जो बाकी जो केसेस यहाँ पर यूज़ किए थे उनसे यहाँ पर फिर भी इसकी क्वालिटी बेटर है, जो कटआउट्स हैं वो भी बेटर है। तो इसे ओपन करते हैं एक बार और मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलता है, और जो डिज़ाइन है वो कुछ कुछ सिमिलर सा है जैसे आपको स्पीगन के या फिर केपवर की केसेस मिलते हैं। ऊपर नीचे आपको कुछ केवलर जैसा टेक्सचर देखने को मिलता है, और जो कटआउट्स हैं कुछ कुछ वैसे ही है, डिज़ाइन भी वैसा ही है कुछ कुछ। तो यहाँ पर अपना जो फ़ोन है इसमें लगा देते हैं एक बार, और उसके बाद मैं आपको इसकी जो कटआउट्स हैं और फिटिंग है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसमें अपना केस लगा दिया है, और जो अगर आपको यहाँ पर एक कैमरा का कटआउट दिया गया है, वैसे सैमसंग गैलेक्सी M20 के जो कैमरा है उसमें इतना कैमरा बम्प नहीं है, और लेकिन फिर भी आपको कैमरा के जो लेंसेज के लिए प्रोटेक्शन यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए जो कटआउट है, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी लोकेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी फ्लैट है, और इसमें अगर आप केस में अगर यूज़ करते हैं तो आपको ईजिली यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन यहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक ठाक डिज़ाइन है। अब मैं इसके जो कटआउट्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो कटआउट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर 3.5 mm हेडफोन जैक और बाकी जितने भी पोर्ट हैं वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। तो कटआउट्स यहाँ पर ठीक ठाक हैं। ऊपर की तरफ आपको एक नॉइस कैंसिलेशन जो आपको इसका कटआउट मिलता है, तो जो भी कटआउट ठीक है। अब बटन्स की बात करें तो बटन्स यहाँ पर जो हैं काफ़ी क्लिकी हैं, तो इतने स्टिफ बटन नहीं है, बहुत ईजिली यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बटन्स भी आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी अगर प्रोटेक्शन की बात करूं, जो फ्रंट स्क्रीन की प्रोटेक्शन होती है, तो यहाँ पर आपको कुछ लिप रेज भी दिया गया है, और लिप रेज यहाँ पर मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, और अच्छे से अगर आप इसको अपना जो फेस डाउन फ़ोन रखते हैं कहीं पर नीचे की तरफ तो स्क्रैचेज़ वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो प्रोटेक्शन मेरे ख्याल से अच्छी खासी है, आपको मिल जाएगी इसमें। तो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है ये केस फिर भी काफ़ी अच्छा है, जो बाकी केसेस मैंने ट्राई करे इस प्राइस पे, और मेरे ख्याल से इससे थोड़े से ऊपर भी मैंने 200-250 रुपये वाले भी केस मंगाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये केस है वो काफ़ी ठीक ठाक केसेस है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप कोई सैमसंग गैलेक्सी M20 के लिए केस ढूंढ रहे हैं और इस टाइम पर मुझे लगता है ये केस है वो आप ले सकते हैं। उसका जो लिंक है, अगर आप लेना हो तो मैं इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाय लिंक, आप वहाँ से जाके खरीद ले। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको हमारा चैनल पसंद आया, चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए गैजेट की हिंदी के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।